हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सोया करी बनाने की रेसिपी और देंगे इसके सारे ही टिप्स वीडियो के एंड में। ये सोया करी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और जब भी आपका दिल चाहे इसको बना सकते हैं। साथ ही इसका जो मेथड है वो भी बहुत अच्छा है और इस मेथड से बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मीडियम साइज़ के सोया चंक्स ले रखे हैं। इसको हम गर्म पानी में सोक करके रख देंगे जिससे अच्छे से फूल जाएं। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे और डालेंगे विनेगर, नमक और सिरके के इस घोल में इसको कुछ देर के लिए रखेंगे। पहले इसको मिक्स कर देंगे जिससे सिरका और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिलहाल इसको एक साइड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कुछ सामान जो कि हमें पीसना है, जिसमें से हर चीज़ रफली कटी हुई है। टमाटर हैं ये, और ये प्याज है, ये अदरक, और ये है हरी मिर्च। साथ ही हमने ले रखा है लहसुन, और ले लेंगे कुछ काजू। काजू आप दो दो पीस वाले भी ले सकते हैं, हमारे पास बने हुए थे तो हमने वो ले लिए हैं। इन चीज़ों का एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और अब हम इसको चेक करते हैं, ये अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं आप। इसको निचोड़ लेंगे, सारा ही पानी इसमें से रिमूव कर देंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रखा है, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। जो भी आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये गर्म हो चुका है, इसमें अब हम सोया चंक्स डालेंगे और फ्राई करेंगे। हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। जब ये ब्राउन हो जाए, एक हम आपको दिखाते हैं, बस इसको निकाल लेंगे और अब वापस से कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। और इधर ये जो हमने फ्राई किए थे सोया चंक्स, इसमें हम दही डाल के मिक्स करके इसको उठा के रख देंगे। तो दही को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब ये इधर ऑयल भी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक तेज़पात का पत्ता, काफ़ी बड़े साइज़ का है, छोटे हैं तो दो डाल लीजिए, और एक है दालचीनी टुकड़ा, एक इलायची है, इसका मुंह खोल लेंगे, दो लौंगे हैं इसको डाल देंगे, और ये है मेथी, कसूरी मेथी होती है वो है, और अब ये तैयार किया हुआ पेस्ट इसको डाल देंगे और इसको भूनेंगे। हल्का सा ऑयल जब अलग हो जाएगा तब इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से ये हल्दी है, लाल मिर्च वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, और ये है धनिया, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च जो सिर्फ कलर के लिए डालना है, और ये है पिसा हुआ जीरा। और अब इन मसालों को इसके बचे हुए पानी में अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ऑयल अलग ना हो जाए। अब ये ऑयल अलग हो चुका है, यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे दही में मिक्स किए हुए सोया चंक्स, और अब इसको वापस से भूनेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमने सॉल्ट ऐड किया है, अब ये भी भुन चुके हैं, इसमें से भी तेल छूट के अलग हो गया है। यहाँ पर हम मिक्स करेंगे पानी, पानी थोड़ा सा इतना डालेंगे जितने में हमें इसको गलाना है, क्योंकि अभी इसको गलाया नहीं है, तो अब हम इसको गलाएंगे। तो इस तरह से आप पानी इतना डाल लें और इसको ढक देंगे। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है, ढकेंगे और लो कर देंगे फ्लेम और पकाएंगे। आज से 8 से 10 मिनट के अंदर ये पक्के तैयार हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं पानी भी इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, ये गल भी चुके हैं और इसमें से तेल भी छूट गया है। अब आप देखिए कितने परफेक्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी सही ग्रेवी है। बस इतनी ही ग्रेवी थिक होना चाहिए इसकी,
तभी ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब हमने डाला है गरम मसाला, सबसे मेन चीज़ इसकी, और ये हरा धनिया। मौसम के हिसाब से आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, गर्मी है तो। और अब हम यहाँ पर इसको ढक देंगे जिससे थोड़ा सा तेल छुटके और अलग हो जाए। और इसको अब हमने डिश आउट कर लिया है, थोड़ा से हरे धनिया की पत्ती के साथ इसको गार्निश कर देंगे। तो ये टेस्टी से हमारे सोया चंक्स करी बन के तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। तो आप इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसके टिप्स भी देख लेते हैं कि इसके टिप्स क्या हैं। और टिप्स हैं, हमने टमाटर को ऐसे ही पीसा है। अगर आप चाहें तो उसका छिलका उतार के भी टमाटर को पीस सकते हैं, या फिर टमाटो प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला हमने पीसा है, यानी कि काजू, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन अदरक वगैरह। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डालकर हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और उसके बाद में इसको आप पीस सकते हैं। साथ ही जो सोया चंक्स हमने फ्राई किए हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप उनको फ्राई ना करें और ऐसे ही बनाएं। आप साथ ही इसकी ग्रेवी को आप बहुत ज़्यादा पतला ना रखें, ज़्यादा थिन होगी तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है। जो दही आप डाल रहे हैं इसमें मिक्स करने, खट्टा है तो थोड़ा सा कम डालें। पर अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इसको कढ़ाई या भगोने में बनाने की जगह डायरेक्ट कुकर में बना सकते हैं, और 4-5 विसिल्स ले लीजिए, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो थे सारे ही टिप्स आज के। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आगे भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।